नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है टाटा डिगोर का बेनिफिट और नॉन बेनिफिट्स, जैसे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप तो सोच रहे होंगे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो का कैप्शन तो टिगोर का वाई आई बाई टिगोर का बारे में। मैंने ये वीडियो पर बेनिफिट्स और नॉन बेनिफिट्स और ये टिगोर मैंने क्यों बाई किया अभी बताऊँगी। फ्रेंड्स, आप तो अभी सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पीपल तो सोच रहे होंगे कि क्यों लोगों टाटा का बाइक कर रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में रोड पर टिगोर नहीं देख रहा है, ज़्यादा का ज़्यादा नहीं देख रहे, देख रहा है लेकिन टियागो बहुत बड़ी दिख रहा है, मारुति जैसे दिख रहा है। फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है, पीपल ऐसा क्यों टाटा का पीछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका समय ऐसा अच्छा प्लेस हमें मिला, हमारी बैकग्राउंड ये मेरा घर का बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, बिना समय का बेकार करने जल्दी जाते हैं हमारे वीडियो पर। मेरा नाम है मस्त, आप देख रहे हैं हिंदी का दोस्त। फ्रेंड्स, ये टिगोर बाइक करने का फर्स्ट रीज़न इसकी प्राइस है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये प्राइस पर। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी फेस तो सब ब्लैक हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो ब्राइटनेस है। ये टिगोर का प्राइस 7 लाख है फ्रेंड्स। ये प्राइस पर इतना बेस्ट कार कहीं भी नहीं मिलेगा, ये वैल्यू फॉर मनी कार है फ्रेंड्स। मैं पक्का से कहूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी का है। इंटीरियर में जाते हैं फ्रेंड्स, मुझे तो ये की का बारे में एक रिव्यू करना चाहिए, वीडियो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ तो बहुत तो फ्रेंड्स, ये कार में एक बहुत अच्छी सिस्टम आ रही है, वो है हार्मनी सिस्टम। आप तो सोच रहे होंगे कि मैं हार्मनी सिस्टम देकर ये कार बाई किया। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मुझे इसका सारा का सारा फीचर अच्छा हुआ। ये हार्मनी सिस्टम है, पहले ये हार्मनी सिस्टम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स, आप देखते हैं तो समझ जाएगा कि मेरे चैनल में दिया गया है, और ये वीडियो का एंड स्क्रीन में भी मैं बताऊँगी। तो ये टिगोर का एक अच्छी फीचर डिक्की है, क्योंकि डिक्की में 400 समथिंग बूट है और हार्मनी सिस्टम और पावरफुल एसी मिल रही है फ्रेंड्स। मैं पक्का से कह दूं कि आफ्टर यूजिंग 1 ईयर एंड 9000 किलोमीटर्स, इसका एसी के बारे में कहूँ तो जब हम बाइक करते हैं तो एसी है, अच्छा एसी है, लेकिन थर्ड सर्विस के बाद, थर्ड सर्विस 1 ईयर में हो गया था, अभी हो गया था, और ये थर्ड सर्विस के बाद मुझे पता चला कि इसका एसी बहुत पावर है। थर्ड सर्विस के बाद ही मुझे पता चल गया, क्योंकि एक दिन जब बहुत इवनिंग समय, आफ्टरनून समय, मैंने कैलिकेट जा गया, कैल का कैलिकेट, तो उस समय पर बहुत गर्मी था, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी तो बहुत, अभी भी आफ्टरनून है लेकिन बहुत अच्छा सनलाइट नहीं है, लेकिन उस समय पर बहुत अच्छा सनलाइट था। तो मैंने एसी कौन किया, ऑटोमेटिक डाला, सिर्फ एक मिनट से मैं तो एसी को ऑफ किया, क्योंकि उतना कूल था, मैं तो ऐसा कर रही थी फ्रेंड्स, इतना जैसा कूल। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये टिगोर का एसी एक बहुत पावरफुल है। सर्विस के बाद ही ऐसा होता है, मेरे लिए मेरी कार में ऐसा अच्छा एसी था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके कार में ऐसा है, लेकिन रेयर एसी नहीं है, सभी लोग तो रेयर एसी होने वाली कार्स के पीछे जाते हैं, लेकिन ये कार में रेयर एसी नहीं चाहिए, क्योंकि बैक में एसी होने से अच्छा फ्रंट का बहुत पावरफुल एसी है, और आपको चाहिए तो बैक एसी फिट कर सकता है, मुझे नहीं पता उसको। और इसमें ड्राइवर आमरस नहीं आ रही, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ड्राइवर आमरस नहीं है, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये फिट कर सकता है, बहुत सारी लिंक्स है, मैंने मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर डाला है। और अगर एक अच्छी फीचर ये है कि इसका ऑटोमेटिक गियर आ रही है, लेकिन ये गियर आप देख सकते हैं, ये गियर ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि
उस समय पर मैंने ये सितंबर पर बाई किया, 2017 सितंबर पर, उस समय पर ये गियर नहीं था, ये ऑटोमेटिक गियर। और मैंने एक टिप आपको बोलूँगी, आप ये टिगोर कार को बाई करने वाले हैं तो आप सरोर सीट कवर मत डालो। आप देखते हैं कि मेरा एक सीट कवर, ये सीट कवर डालने के पहले बहुत अच्छी सॉफ्ट था, क्योंकि इसका एक स्पॉन्ज जैसी एक मटेरियल था, लेकिन ये सीट कवर डालने के बाद सब सॉफ्टनेस जा गया, ये बहुत हार्ड हो गई फ्रेंड्स। और ऐसा करने से बहुत हार्ड है, लेकिन ये कुशन जैसा था जब हमें बाइक किया, लेकिन मैंने सोचा कि कार में डस्ट या वगैरह आए तो ऐसा कर लिया। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ऐसा वगैरह चीज़ें मत डालो, आपकी कार का सीट में कोई तरह का सीट कवर मत डालो। आपको डालना है तो कोई टवल जैसा, टर्की जैसा है ना, उसको डालो तो सॉफ्ट बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स ये एक टिप, और मैं बोलना चाहूँगा कि ये टिगोर में आने वाली इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर डिजिटल नहीं है, आप देख सकते हैं डिसायर में बहुत बहुत बड़ी इल्यूमिनेशन जैसी आ रही है, तो उसके वगैरह ये क्लासिक क्लासिक वाला अच्छा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है ये टिगोर पर। ये टिगोर एक्सडो मॉडल है, फुल ऑप्शन मॉडल, और इसका रिव्यू भी डाला था मैंने, और इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का वाली वीडियो डाला था। तो फ्रेंड्स अगली एक अच्छी बात ये है कि इसका वॉइस कंट्रोल सिस्टम, हार्मन म्यूजिक सिस्टम पर एक वॉइस कंट्रोल सिस्टम ही आ जाए, जो हमें वॉइस से एसी का टेम्परेचर, एसी का फैन स्पीड, म्यूजिक और यूएसबी जैसे वगैरह वगैरह सेलेक्ट कर सकता है। ये हमारी इंस्ट्रूमेंट, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारी म्यूजिक सिस्टम पर एक मैनुअल ही है इसका बारे में। तो रेयर सीट में जाते हैं, ये रेयर सीट में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ का स्पेस, अभी तो बारिश आने वाली है फ्रेंड्स, जल्दी शूट करती है, क्योंकि बारिश में शूट करना मुझे भी नहीं जानता है, क्योंकि कैमरा सब तो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ का एक अच्छी रेयर सीट आप देख सकते हैं, इसका यहाँ का स्पेस वगैरह बहुत अच्छा स्पेस आ रही है, तो लेग स्पेस वगैरह बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लेग स्पेस आ रही है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये कार पर एक अच्छी विजिबिलिटी है, रेयर सीट में बैठा या फ्रंट सीट में बैठा एक अच्छी विजिबिलिटी आ रही है फ्रेंड्स। रेन तो आ गई, मैं ये फ्रंट का डोर को क्लोज करती हूँ, क्योंकि अगर रेन आ गया तो मुझे शूट बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे शूट करना तो चाहिए ना, आप लोगों को मुझे वीडियोस तो डालना है। मेरी ये यूट्यूब पर वीडियोस डालने अपलोड करने वाली एक अच्छी बात, आपको मुझे मेरी नॉलेज को शेयर करनी है। तो फ्रेंड्स ये मारुति कार्स, सभी लोग मारुति कार्स का बैक में जाते हैं, ये क्यों, इसका बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा था, ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर नहीं डालिया, लेकिन ये मैंने ये वीडियो का एंड स्क्रीन पर डाला है। तो फ्रेंड्स उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों पीपल मारुति कार्स का बैक में जाते हैं। और मैंने बिल्कुल टाटा कार्स का बिल्कुल टी के बारे में एक वीडियो डाल रहा था, उसको भी आप देखिए, मेरी चैनल में होगी, मुझे ऐसा लिंक वगैरह बहुत लगता है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों ऐसा। और आप देख सकते हैं यहाँ का एक वाइट लाइट आ रही है, ये वाइट लाइट का एक अच्छी फीचर ये है कि हमें लगता है कि हमारा कार एक लक्सरी जैसा, और हमारी बैक का, ये बैक का नंबर प्लेट भी वाइट आ रही है। फ्रेंड्स यहाँ तो बहुत विंड है और बारिश भी शुरू होने लगी है, तो आप सबको समझ में होगा कि ये क्या है इसका फीचर्स। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ये टिगोर को बाई कीजिए, क्योंकि आफ्टर यूजिंग इट 1 किलोमीटर एंड 9000 किलोमीटर्स, सॉरी 1 ईयर एंड 9000 किलोमीटर्स, मुझे ये कह सकते हैं कि ये टिगोर में एक बहुत अच्छी फीचर्स आ रही है। ये ही ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ तो बहुत गर्मी है और बहुत बारिश है बाहर पर। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मुझे तो शूट करना अच्छा लगती है, लेकिन कोरा ब्राइटनेस की प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ही मैं ऐसा प्लेस में रुकता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छी विजिबिलिटी आ रही है, 4 पावर विंडोज है, और इसका डाउन मॉडल 4.5 लाख उतना ही है। तो वैल्यू फॉर मनी कार ये फ्रेंड्स, मुझे क्यों पता ही कि ऐसा कार टाटा ने क्यों ऐसा
सभी लोग ने तो कार का प्राइस को इंक्रीज करता है, लेकिन टाटा मोटर्स ने कार का प्राइस को डिक्रीज कर लिया और इसका माइलेज 12 टू 18 मिलता है हमें, हाईवे पर 18 और सिटी पर 12, और बहुत अच्छी एको मोड और वगैरह मोड से जाते हैं तो 20 का एबो मिलता है, वो 30 तक ही जाएगा क्योंकि क्लाइमेट और ड्राइविंग कंडीशन हमारा माइलेज का इफेक्ट करते हैं। और माइलेज का इफेक्ट करते वाली फैक्टर्स का बारे में भी मैंने एक वीडियो बना लिया है, तो फ्रेंड्स आप जरूर उसको भी देखिए। अभी तो केएल का सिचुएशन अच्छा हो गया है, जैसे कि मैंने सारी वीडियो में कहा था केएल का सिचुएशन के बारे में। आज का वीडियो में मैं क्यों केएल का सिचुएशन को कहना चाहूँगी, क्योंकि आज तो बहुत अच्छा सिचुएशन है, लेकिन अभी एक रेन होने वाली है। तो फ्रेंड्स और एक बहुत अच्छी फीचर ये है कि इसका बैक का लाइट, इसका ब्रेक लाइट बहुत अच्छी सिस्टम है, आपको पता होगा क्योंकि मैंने वीडियो पर कह दिया है। तो ये सब है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें आमरस नहीं आ रही है, रेयरेसी नहीं है, लेकिन रेयरेसी हमें नहीं चाहिए। और इसका 5 इंच म्यूज सिस्टम आ रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 5 इंच म्यूज सिस्टम। ये 7 या 9 इंच होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आज के जमाने का व्हीकल्स पर बहुत बड़ी स्क्रीन आ रही है। ये टच स्क्रीन है लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल मतलब ये थोड़ा समटाइम्स ये हम टच किया तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो फ्रेंड्स और हमारी विंडोज साइड का 2 विंडोज हमें स्विच से एडजस्ट कर सकता है, ये सब का बारे में मैं वीडियो बना लिया था, तो आप जरूर उसको चेक कीजिए। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक टाइगर को रखा दिया है ताकि बैक का ये मेरे मतलब ये कि जब हम रोड में जाते हैं तो हमारी बैक का ड्राइवर सोचेगी कि ये टिगोर है और इसका बैक में टाइगर भी है, इसीलिए ऐसा रखा। तो आज का वीडियो एंड करने समय आ गया। और ये कार पर 2 एयरबैग आई है फ्रेंड्स, फ्रंट में 2 एयरबैग पैसेंजर्स का, और बैक पर कोई एयरबैग नहीं है। ये फुल ऑप्शन मॉडल है, लेकिन थोड़ा भी एयरबैग होता तो अच्छा होता, और पुश स्टार्ट बटन भी होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आज का जमाने का हर कार्स में पुश स्टार्ट बटन आ रही है। तो ये मेरी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स ये क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का वीडियो, और ऐसा वीडियोस को देखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ को विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा ब्राइटनेस है। तो ऐसा वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और उसका आसपास का बेल आइकन को कोई स्टोन या फूड से स्मैश कीजिए, ताकि मेरा वीडियोस जल्दी और आसानी से मिले। तो फ्रेंड्स दिस इज एमएस अभिनव साइनिंग ऑफ।